जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे ही लोकसभा के प्रत्याशियों ने भी अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है। सभी पार्टियां जोरों शोरों से चुनाव प्रचार कर रही हैं। कोई जनता के बीच जाकर अपने लिए वोटों की अपील कर रहा है तो कोई प्रत्याशी मंदिर में जाकर भगवान का आशीर्वाद ले रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार महेंद्र प्रताप सिंह फरीदाबाद के सेक्टर 12 के लघु सचिवालय के लोयर चैम्बर में पहुंचे। यहां पर पहुंचने पर सैकड़ों की संख्या में वकीलों ने इकट्ठे होकर कांग्रेस उम्मीदवार महेंद्र प्रताप सिंह का फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। वहीं इस दौरान पूर्व प्रधान संजीव चौधरी और उनके साथियों ने भी उनका वहां पर पहुंचने पर स्वागत किया। सभी ने ये ऐलान किया कि वह आने वाले चुनावों में कांग्रेस उम्मीदवार का पूरा साथ देंगे। वहीं इसी दौरान कांग्रेस के प्रत्याशी महेंद्र प्रताप ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ने हरियाणा को कर्ज में डुबा रखा है। उन्होंने ओम प्रकाश चौटाला की भी खुले मन से प्रशंसा करते हुए कहा कि भले ही कुछ लोग उन्हें बुरा कहते हों लेकिन चौटाला भी बुरे नहीं थे, उनकी सरकार में भी कर्ज नहीं था, अगर वह बुरे होते तो कर्ज लेकर खा सकते थे। किसने लगाया? सूरज पालम ने इस्तीफा दे दिया है। भैया अभी से आप अंदाजा लगा रहे सकते हो कि इनकी कार्यशैली क्या है, इनका चाल चरित्र क्या है। जनता इनसे दूर हो रही है, पार्षद छोड़ रहे हैं, एमएलए छोड़ रहे हैं, एमएलए छोड़ चुके हैं, सरकार माइनॉरिटी में आ गई है, परिवर्तन की लहर दौड़ रही है और सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है।